बसमिल रिम अलैक्म मेरा नाम फैसल अजीज़ है और वेलकम बैक टू आल ऑफ़ यू इन उर्दू आई टी अकेडमी आई होप कि आप सब लोग जो है वो इस सीरीज़ को इन्जॉय कर रहे होंगे और आज हम इन शह लेक्चर नंबर नाइन स्टार्ट करते हैं जो कि होगा अबाउट ट्रैफिक शेपर ट्रैफिक शेपर क्या होता है जी इन मोस्ट नैटवर्कस मैनी यूज़र शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन ठीक है आजकल होता क्या है हमारे यहाँ मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में यही हो रहा होता है कि हम लोग एक इंटरनेट कनेक्शन लगवा लेते हैं 15, 16 एम का या 20 एम का और 40 एम का ठीक है और हम उस ट्रैफिक को जो है वो मैनेज नहीं करते हम वो सिंगल कनेक्शन लगाते हैं आई से लेते हैं उसके आगे एक स्विच लगाते हैं उस स्विच के बाद जो है वो अपने तमाम यूज़र्स को असाइन कर देते हैं बैंड ठीक है तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है अब कोई यूज़र जो है वो कुछ यूज़र्स हो सकता है यूट्यूब ब्राउज़ कर रहे हैं कुछ यूज़र्स जो है वो टॉरेंट लगा के बैठ जाते हैं और कुछ यूज़र्स और कुछ डाउनलोडिंग लगा के बैठ जाते हैं तो उससे हमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि सारी बैंडविड्थ जो है वो एक दो या तीन यूज़र्स कंज्यूम करते रहते हैं ठीक है और इस तरह अगर आपके नेटवर्क में कोई वॉइस की ट्रैफिक चल रही हो या कोई और क्रिटिकल ईमेल किसी ने सेंड करनी हो तो वो क्या लग जाती हैं क्यू में लग जाती हैं या आपका नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाता है ठीक है तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ट्रैफिक शेपर बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ शेयर नेटवर्क शेयर नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है कि सारे यूज़र्स को एक ही बैंडविड्थ शेयर कर दी जाती है और उस उ, उसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है कि वो सा, वो सारी बैंडविड्थ या एक दो या तीन यूज़र मैक्सिमम यूज़ कर रहे होते हैं तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने आज स्टडी करना है ट्रैफिक शेपिंग और ट्रैफिक शेपिंग के अंदर पहले एक और बात ज़्यादा चलूँ हाई बैंड यूजर्स कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर क्रिटिकल ट्रैफिक सच एज़ वाइब ठीक है अगर आपके नेटवर्क के अंदर वॉइस की ट्रैफिक चल रही है तो उस वाइब की वॉइस की ट्रैफिक जो है उसमें डिस्टॉर्शन आ सकती है ब्रेकेज आ सकता है ठीक है और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते हैं तो ट्रैफिक शेपिंग कैन प्रोटोइज़ योर इंपॉर्टेंट और टाइम क्रिटिकल नेटवर्क ट्रैफिक टू ग्रंटी परफॉर्मेंस अगर आप ट्रैफिक शेपिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जो कि पी सेंस के अंदर होता है उससे हमें एडवांटेज क्या मिलता है कि हम जो क्रिटिकल यूज़र्स हैं उनकी बैंडविड्थ उनको एक सेपरेट बैंडविड्थ एलोकेट कर सकते हैं ठीक है अपनी हमारी जो क्रिटिकल ट्रैफिक है उसको प्लोटाइज कर सकते हैं हम चाहते हैं कि हमारे वॉइस से अगर ट्रैफिक आए तो उसको प्रायोरिटी हाई मिले अगर कोई डाउनलोडिंग डा, कर रहा है या स्ट्रीमिंग कर रहा है या कोई वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा है तो उसकी प्रायोरिटी जो है वो लो कर दी जाए ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो यूज़र है ये दो चार यूज़र हैं पाँच यूज़र्स हैं इनको सिर्फ़ स्पेसिफिक हम चाहते हैं कि वन एम की ही स्पीड मिले वन एम से स्पीड ऊपर ना मिले ठीक है वन एम स्पीड डाउनलोडिंग मिले और वन एम ही अपलोडिंग मिले तो ये भी हम कर सकते हैं और इनहांस नेटवर्क परफॉर्मेंस ट्रैफिक शेपिंग से जु क्या है हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस ऑबियसली इन्हांस होगी ठीक है और हाउ टू फाइंड हाई बैंडविड्थ यूजर्स अच्छा अब हाई बैंडविड यूज़र्स आपको पता कैसे चलेगा कि आपके नेटवर्क के अंदर कौन से यूज़र्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ कंजप्शन करते हैं ठीक है तो ये पता करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था डार्क स्टैट ठीक है और उससे एक दो लेक्चर पीछे चले जाएँ तो लेक्चर सिक्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट एंड टॉप एन जी नेटवर्क मोनिटरिंग टूल इन दोनों को यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि आपके यूज़र्स जो है वो कौन से यूज़र्स जो हैं वो को किस टाइप की जो है वो कन्जपशन कर रहे हैं ठीक है डाउनलोडिंग ज़्यादा कर रहे हैं अपलोडिंग ज़्यादा कर रहे हैं वीडियो स्ट्रीमिंग ज़्यादा कर रहे हैं बिट टॉरेंट यूज़ कर रहे हैं गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं आप एन टॉप एन जी से चेक कर सकते हैं ठीक है मैंने आपको दिखाया था कि हम लेयर सेवन के अपलिकेशनस को कैसे एक्सेस करते हैं आप कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर ठीक है आपकी जो लोकल होस्ट हैं वो अगर उन्होंने एक्सेस की हुई है इन चीज़ों को तो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं और इसको देखते हैं आज ट्रैफिक शेपर लैब में ओपन कर लूँ अच्छा जी ये हमारी फायर वॉल आ गई और चलते हैं जी अच्छा आप अगर प्लॉटी देना चाहते हैं आप चाहते हैं जी मेरे एच हैं या कोई और यूज़र्स हैं फॉर एग्जांपल ठीक है कुछ यूज़र्स हैं आप चाहते हैं ये इन्होंने अपलोडिंग का काम ज़्यादा करना होता है ठीक है जी इनको मैंने अपलोडिंग की स्पीड ज़्यादा देनी है आप ये भी कर सकते हैं आप चाहते हैं कुछ यूज़र्स हैं जिनको डाउनलोडिंग की स्पीड थोड़ी ज़्यादा देनी है उन्होंने कुछ डाटा डाउनलोड करना होता है ऑफिशियल डाटा होता है से ठीक है तो आप वो भी कर सकते हैं आप जिनको प्लॉटी देना चाहते हैं उनको ऊपर ले जाएंगे ठीक है और जिनको प्लॉटी नहीं देना चाहते हैं उनको नीचे ले आएंगे ठीक है और इसको हम ट्रैफिक शेपर को कहाँ पे एक्सेस करेंगे इनको हम एक्सेस करेंगे फायरवॉल रूल्स के अंदर ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो दिखाऊंगा कि इनको एक्सेस कैसे करना है आज जस्ट हम ये देखेंगे ट्रैफिक शेपर को आप किस तरह से उसके अंदर लिमिटर्स बनाते हैं किस तरह से लिमिटर्स असाइन करते हैं डाउनलोड के लिए किस तरह आप बनाएंगे अपलोड के लिए किस तरह लिमिटर्स बनाएंगे तो उसको हम देखते हैं अच्छा फायरवाल में आ आगे फायरवाल के अंदर हम आ, ये है जी हमारे पास ट्रैफिक शेपर ट्रैफिक शेपर पर आप क्लिक करेंगे अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लिमिटर्स आपने यहाँ पे एक न्यू लिमिटर बनाना है लिमिटर फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त बना रहा हूँ मैं कहता हूँ जी ये मेरे बैड यूज़र्स हैं इनेबल लिमिटर एंड चिल्ड्रन इसको मैं फ्रेंडली आप नेम कुछ भी देना चाहते हैं मैं इसको कह देता हूँ बैड यूजर्स बैड यूज़र्स ठीक है इसको मैंने बैंडविट बैड यूज़र्स दे दिया और बैड यूज़र्स में कह देता हूँ कि इसकी बैंडविट जो है वो इनको मिले वन एम बी वन एम बी मिले डाउनलोडिंग बैड यूजर्स डाउनलोडिंग स्पीड वन और बैंडविड्थ uh, टाइप आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं मेगाबिट पर सेकंड ठीक है स्केड्यूलिंग अभी हम नहीं करते एड स्केड्यूल अभी हम नहीं करते मास्क आप क्या कर देंगे सोर्स एड्रेस जब भी ये सोर्स एड्रेस आपके पास आए ठीक है अब हम ये कहाँ पे कॉल कर रहे होंगे मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन बताऊँगा अभी तक आप इतना समझें कि अगर बैड यूज़र्स की एक हमने एलियस बनाया होगा बैड यूजर्स का उसके अंदर हमने डिफरेंट आई पीज़ ऐड किए हुए होंगे और उन आई पीज़ को हम ये वाला जो लिमिटर है ये असाइन कर देंगे ये हम किसके थ्रू करेंगे फायरवॉल रूल्स के थ्रू असाइन करेंगे तो मैंने यहाँ पे कह दिया जी बैड यूज़र्स डाउनलोडिंग स्पीड कितनी है जी वन मेगाबिट पर सेकेंड और सोर्स एड्रेस ये हो गया बाकी आपने ठल टू रखना है इसको बाई डिफ़ॉल्ट रखना है बाकी ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट रहने दें ठीक है और मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ सेव अप्लाई चेंजेस ये मेरा क्या हो गया एक लिमिटर बन गया जी बैड यूजर्स डाउनलोडिंग स्पीड मैं एक और बना देता हूँ बैड यूजर्स अपलोडिंग स्पीड और इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ जी आप जो है वो मैं कहता हूँ इनको जो है ना ये अपलोडिंग बहुत ज़्यादा करते रहते हैं इनकी मैं रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ ये 500 किलोबिट पर सेकंड ठीक है अगर हाफ़ एम बी करना है तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे फाइव केबी पर सेकेंड और मास्क में सेलेक्ट कर देंगे सोर्स एड्रेस जब भी ये सोर्स एड्रेस आए तो आपने क्या करना है अब सोर्स एड्रेस कौन सा होगा वो हम एलियस में डिफ़ाइन किया होगा एलियस में मैंने डिफ़ाइन किया होगा बैड यूजर्स बैड यूजर्स के होंगे आई से वो आई होंगे फ़ाइव डॉट टेन फाइव डॉट फ़िफ्टीन फाइव डॉट सिक्सटीन फाइव डॉट सेवेंटीन फ़ाइव डॉट ट्वेंटी फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैड यूजर्स के पाँच छः आई पी हैं ये सोर्स एड्रेस हैं ये जब भी फायर वॉल रूल से क्रॉस करेंगे फायरवॉल रूल्स में से पास होंगे ठीक है तो आपने इनके ऊपर ये लिमिटर अप्लाई कर देना ये लिमिटर कहा अप्लाई करना है फायरवॉल रूल्स के अंदर और इसको भी हमने क्या कर दिया ये सारी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट रहने दें सेव ये देखें ये हमने क्या कर दिया बैड यूजर्स डाउनलोडिंग स्पीड कर दी और बैड यूजर्स अपलोडिंग स्पीड मैं एक और बनाना चाहता हूँ मैं कहता हूँ यार मेरे कुछ जो है ना फाइनेंस के यूजर हैं या कुछ और यूजर है किसी भी डिपार्टमेंट के यूजर्स हो सकते हैं Uh, मैं उसे चलें अभी गुड यूज़र्स कह देता हूँ आप कुछ भी फ्रेंडली अपना नेम अपने आपके जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं मैं कहता हूँ यार इन्होंने जो है ना वो डाटा सेंटर में या हमारी कोई वेबसाइट है या हमारा कोई और लोकेशन है जहाँ पे इन्होंने जो है ना अपलोडिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है या वहाँ से ही इन्होंने ऑफिशियल फाइल्स काफ़ी सारी डाउनलोड करनी होती हैं तो इनको स्पीड जो है मैं कह देता हूँ टू एम की स्पीड इनको मिलनी चाहिए मास्क में आपने क्या सिलेक्ट करना है सोर्स एड्रेस और आपने क्या कर दिया सेव अच्छा जी इसी तरह आपने एक और न्यू लिमिटर लगा दिया न्यू लिमिटर में आपने क्या कह दिया इनेबल दिस गुड यूज़र्स अपलोडिंग स्पीड और इसको मैं कहता हूँ जिससे इन्होंने अपलोडिंग उससे भी ज़्यादा करनी होती है इनको थ्री एम की अपलोडिंग मिलनी चाहिए मैं ये भी कर सकता हूँ लाजमी नहीं कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग सेम होनी चाहिए जो आप सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं मास्क में मैंने कह दिया सोर्स एड्रेसेस अच्छा इसको भी सेव कर दिया अच्छा आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इसका मैं कहता हूँ जी गुड यूज़र्स डाउनलोडिंग स्पीड ये मेरे कुछ एक्स वाई जी यूज़र्स हैं इनका ऑफिशियल बहुत काम होता है ठीक है डाउनलोडिंग अपलोडिंग वगैरह इन्होंने करनी होती है तो ये मेरे आगे अब इनको मैं बारी बारी जो है वो फायर रूल्स में एक्सेस करवाऊंगा ये मैंने लिमिटर्स बना लिए अब इसी के नाम से मैंने कुछ एलियस बनाए हुए होंगे उस एलियस के अंदर मैंने कुछ स्पेसिफ़िक आई ऐड किए हुए होंगे ठीक है और मैंने कहा होगा कि ये आई जब भी आएँ तो इनको इतनी बैंडबिट जो है वो असाइन की जाए टू एम तक डाउनलोडिंग कर सकते हैं और थ्री एम तक अपलोडिंग कर सकते हैं ठीक है अभी इस वक्त ये जो ए, लिमिटर्स मैंने बनाए हैं ये इस वक्त कहीं भी कॉल नहीं हो रहे ठीक है।, है ये जस्ट हमने ए, मैंने आपको शो करवाया कि बनाने किस तरह हैं अच्छा ये तो हो गया इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा भी मैं आपको एक कोशिश दिखाता हूँ फायर वॉल ट्रैफिक शेपर विजॉर्ट पे चले जाते हैं विजर्ट में हम जाके क्या कहते हैं जी ट्रैफिक शेपर विज़र्ट मल्टीपल ऑल यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं आप अपनी ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करवा सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू ठीक है कैसे करते हैं यह भी मैं अभी आपको बताता हूँ इंटर नंबर ऑफ़ वैन टाइप ऑफ कनेक्शन आपके पास कितने कनेक्शनज हैं एक है दो है तीन है मेरे पास इस वक्त एक ही वैन कनेक्शन है ठीक है लैन टाइप्स कितने हैं मेरे पास एक ही हैं ठीक है अगर आपके पास मल्टीपल हैं अगर आपको नहीं पता कि मेरे पास कितने वैन हैं कितने लैन हैं तो आप इंटरफेस यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने इंटरफेस हैं इस वक्त ठीक है जी तो मेरे पास यही हैं इस वक्त मैं क्या कर देता हूँ वन वन किया नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं शेपर कन्फिग्रेशन इंटरफेस स्केजुलर बाय डिफ़ॉल्ट लाइन होते हैं ठीक है इसको हम क्या कर देते हैं एच एफ एस सी इसको हम बाद में चलो डिस्कस करेंगे ये थोड़ा सा एफिशिएंट है ठीक है और इसलिए हम इसको भी यूज़ कर रहे हैं इससे हम अपनी ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इंटरफेस एंड स्केजुलर वैन वैन के ऊपर आपने क्या करना है जी मैंने एच एफ एस सी करना है अपलोडिंग कितनी करनी है आपने अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 एम का कनेक्शन लगा हुआ है तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा 10 मेगाबिट पर सेकंड डाउनलोडिंग का मेरे पास कितना लगा हुआ है डाउनलोडिंग मेरे पास 10 एम की लगी हुई है मैं सिलेक्ट कर लूँगा टेन मेगाबिट पर सेकेंड ठीक हो गया नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप अपनी आई वॉइस की ट्रैफिक को प्रोडोटाइज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे नेक्स्ट कर देंगे अगर आपके पास वॉइस की ट्रैफिक नहीं है तो आप इसको डिसेबल ही रहने दें अनचेक रहने दें और नेक्स्ट स्टेप कर दें अगर आपके नेटवर्क के अंदर वॉइस की ट्रैफिक है तो आपने इसको चेक कर दिया और प्रोवाइडर आपका कौन है ठीक है अच्छा इसकी आपने प्रोवाइडर आपका कौन है जी मेरे पास वॉइस पल्स यूज़ कर रहे हैं स्टेरिक्स यूज़ कर रहे हैं या ये यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टेरिक्स यूज़ कर रहा हूँ ठीक है अपस्ट्रीम सर्वर सर्वर अब उस वॉनज का सर्वर का या एस्टेरिक्स का जो सर्वर है उसका मैं यहाँ पे क्या आईपी पी साइन कर दूँगा मैं बता दूँगा जी ये मेरा आईपी है और यहाँ पर मैं बता दूँगा कि उसको कितनी आपने अपलोडिंग प्लोरिटी देनी है ठीक है कितनी अपलोडिंग मेरे पास टेन थी मैं उसे कहता हूँ जी आपने टू एम पर सेकेंड या थ्री एम पर सेकेंड जब भी आए वॉइस की ट्रैफिक आए आपने उसको इतनी प्लोरिटी दे देनी है ठीक है इसी तरह डाउनलोडिंग में आए तो मैं उसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं कहता हूँ कि आपने उसको इतने किलोबिट पर सेकंड या इतने मेगाबिट पर सेकंड की प्रायोरिटी असाइन करनी है मेरे पास इस वक्त यहाँ पे नहीं लगा हुआ मैं इसको क्या कर देता हूँ अनचेक कर देता हूँ नेक्स्ट करें अच्छा पेनल्टी बॉक्स आप चाहते हैं कि यार ये कुछ आई पी एफ हैं ये जो है ना कुछ आई पी ओ हैं ये बहुत ज़्यादा कन्जपशन करते रहते हैं तो मैं क्या करता हूँ इन आई पी एफ को यहाँ पर असाइन कर दूँगा और जब भी इस आई पी एड्रेस की ट्रैफिक आए तो उनकी प्लॉटी जो है वो बिल्कुल लो कर दी जाए मैं ये भी कर सकता हूँ पेनलाइज कर दूँगा एड्रेस यहाँ पे मल्टीपल आई पी एड्रेस या मैं एलियस जिस तरह मैंने सॉरी <coughs> मैंने आपको बताया था कि हमने एलियस बनाया एक बैड यूजर्स का उसके अंदर मल्टीपल आई हमने ऐड कर दिए तो मैं यहाँ से जाके एड्रेस और एलियस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ एलियस uh, मुझे अब याद नहीं है हमने लास्ट टाइम कौन सा बनाया था ठीक है वो एलियस भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आप फायर वॉल एरियज के नाउसो भी यूज इंड दिस लोकेशन ठीक है उस एरिएस के अंदर जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे उनको ये असाइन कर और फिर यहाँ पे आप बता सकते हैं कितनी बैंडविट उनको देनी है इतनी बैंडविट इतने परसेंटेज तक उसको जो है वो लिमिटाइज करना है यानी कि अगर मेरे पास हंड्रेड की टोटल बैंडविट है मैं कहता हूँ जब भी ये पेनल्टी वाले यूजर्स आएँ तो इनको जो है आपने सिर्फ टेन तक की टेन तक की बैंडविट असाइन करनी है ठीक है मैंने क्या कर दिया है इसको प्रायोरिटी इनकी जो है वो लो कर दी है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट में हमें क्या कहते हैं जी पीयर टू पीयर नेटवर्किंग अब हमारे पास कुछ पीयर टू पीयर नेटवर्क होते हैं ठीक है मैं कहता हूँ लोअर प्रायोरिटी इनकी प्रायोरिटी जो है वो लोअर कर दी जाए फॉर एग्जांपल बिट टोट मोस्टली लोग यूज़ कर रहे होते हैं ऑफिस के अंदर बिट टोरेंट लगा के बैठ जाते हैं ठीक है ठीके? या ये कुछ अपलिकेशन दी हुई हैं फास्ट ट्रैक ग्रुपर डायरेक्ट फाइल एक्सप्रेस ठीक है ये सारी पी टू पी एप्लीकेशन है अब आप चाहते हैं कि मैं इन पी टू पी ट्रैफ़िक जब भी मेरे ऑफिस के अंदर चल रही हो इनकी प्रायोरिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशन इनकी प्रायोरिटी लो होनी चाहिए मैं इसको चेक करूँगा इनकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी लो हो जाएगी ठीक है वैन इनेबल्ड जब मैं इसको ऑप्शन को इनेबल कर दूंगा पी टू पी कैशे ऑल ऑल अनकेटगराइज ट्रैफिक इज़ फेड टू पी टू पी क्यू ठीक है यानी कि कोई ऐसी ट्रैफिक जिसका नहीं पता वो कैटेगराइज नहीं हुई हुई तो वो भी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली पी टू पी उसे पी टू पी एक्सेप्ट किया जाएगा ठीक है और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैं जाता हूँ इसकी इस एप्लीकेशन ये ये दिस दिस एप्लीकेशन दिस इन सब की एप्लीकेशन जो है वो इनकी प्रॉपर्टी लो कर दी जाए मैं वो सारी चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ ठीक हो गया यहाँ पे आप बैंडविड्थ दे सकते हैं इस बैंडविड्थ इस लिमिट तक जो है वो इसको इसकी प्रॉपर्टी लो कर दी जाए नेक्स्ट नेक्स्ट में वो क्या कहते हैं अच्छा नेटवर्क गेम्स अगर आप चाहते हैं नेटवर्क गेमिंग को ही आप ट्रैफिक है ठीक है आप ओवर दी नेटवर्क इंटरनेट खेल रहे हैं तो आप उसकी प्योरिटी हाई करना चाहते हैं आप वो हाई कर लें ठीक है यहाँ से आप नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं जी अच्छा ये ये मेरी गेम्स हैं इन गेम्स की जो है वो मैं प्रोआरटी जो है वो मैं हाई करना चाहता हूँ ठीक है ये आप करना चाहें आप कर सकते हैं रेज और लोअर अदर एप्लीकेशन अब अब आप क्या करते हैं आप चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से जो है कुछ नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं मैं उनकी ये प्रॉर्टी जो वो अपनी मर्जी से डिसाइड करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ येस मैं चाहता हूँ यार एप्पल रिमोट डेस्कटॉप जब भी इसकी ट्रैफिक आए तो मैं उसकी प्रॉपर्टी क्या कर दूँ हाई कर दूँ आर की जब भी ट्रैफिक आए मैं उसकी कहता हूँ जिसकी प्रॉपर्टी हाई होनी चाहिए वी की जब भी मेरे पास आए इसकी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पास क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए ठीक है इसी तरह कुछ मैसेंजर्स हैं फेस टाइम आई सी क्यू आई जेबर ठीक है इनकी प्रॉपर्टी मैं क्या कहता हूँ जिनकी प्रॉपर्टी की मुझे ज़रूरत नहीं है मैं कहता हूँ इनकी प्रॉपर्टी लो ही रख दो जी ठीक है इसकी प्रॉर्टी मैं क्या कहता हूँ मुझे ज़रूरत नहीं है जी इसकी प्रॉर्टी आप लो रखना चाहते हैं वी की कोई ट्रैफिक आ रही है आप कहते हैं यार इसकी प्रोर्टी जो है ना वो हाई होनी चाहिए आई पी की प्रॉर्टी टॉप प्रोर्टी पर होनी चाहिए ठीक है इसी तरह कोई भी आप यहाँ पर स्क्रीमिंग है ठीक है इनकी प्रॉर्टी आप सेट कर सकते हैं एच टी की कोई ट्रैफिक आ रही है या कोई मेल की ट्रैफिक आ रही है ठीक है पॉप आई मैप ये मेल के प्रोटोकॉल्स हैं ठीक है इनकमिंग प्रोटोकॉल हैं ये आपका सेंडिंग प्रोटोकॉल आ जाता है आप इनकी प्रायोरिटी हाई करना चाहते हैं लो करना चाहते हैं ऑब्वियसली हम हाई ही रखते हैं ठीक है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेल की इंपॉर्टेंस अच्छी खासी इंपॉर्टेंस होती है हम चाहते हैं हम है, हमारी जल्दी से मेल जो है वो रेसिपिएंट को रिसीव हो जाए तो हम क्या कहते हैं इनकमिंग आउट गोइंग इन सब की प्रायोरिटी हम क्या कर देते हैं हाई कर देते हैं ठीक है इस तरह गेम डाउनलोडर मिसलिनियस अगर हमें ये ये एप्लीकेशंस हैं इनकी प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं तो ये मल्टीपल और मल्टीपल जो एप्लीकेशन हैं इनकी हम प्लोरिटी जो है वो सेट कर सकते हैं ठीक है एस एम बी और इन सारी एप्लीकेशंस की नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की हम जो है वो प्लॉरटी सेट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिटेल में जाके जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ग्रैनुलर कंट्रोल है इसका तो नेक्स्ट करते हैं अच्छा ये जब नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो है यहाँ पर एक न्यू प्रोफाइल बन जाएगी चले मैं कर देता हूँ नेक्स्ट मैंने हालांकि कन्फ़िगर तो ऐसा कुछ नहीं किया अच्छा ये हमारे पास जब बन गया तो इसको हम देखना चाहें हमारे पास सारे क्यों हमारे पास कहाँ पे शो हो रहे हैं तो रूल्स फ्लोटिंग ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने अभी रूल्स बनाए हैं ठीक है जिसके अंदर हमने टॉप प्रोरिटी जिसकी रखी है ये देखें जी मैंने उसकी हाई प्रोरिटी रखी थी वो सबसे टॉप पे आ गया ठीक है एप्पल रिमोट डेस्कटॉप टॉप टू ठीक है आर की मैंने प्रोर्टी हाई रखी थी जिसकी इसकी जिस प्रोर्टी आपने हाई की होगी वो सब चीज़ें क्या आ गई हैं टॉप पे आ गई हैं ठीक है और जिसकी मैंने प्रोरटी जो है वो डिफ़ाइन नहीं की वो सब चीज़ें आपकी नीचे आ रही होंगी ठीक है तो यहाँ से आप बाई डिफ़ॉल्ट अगर मजीद इसको जो है वो डिटेल में कंट्रोल करना चाहते हैं आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं ठीक है, है? ये एडिट पे क्लिक करेंगे एडिट पे जाके कर सकते हैं इसको मजीद आप ठीक है जी मैच दिस करे दिस दिस एंड डेट ठीक है सोर्स एड्रेस आप इसका चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं डिस्टिनेशन चेंज करना चाहें ठीक है लॉक पैकेट्स आप चाहते हैं ये जब भी फायरवॉल के अंदर से ये एक्सेस रूल पास हो इसको जो है वो लॉक कर लिया जाए ठीक है और आ, सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हैं अगर ये सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है इसको अलाउ करें ठीक है और काफ़ी कुछ इसके अंदर हम कर सकते हैं इस डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हम जो मोस्टली यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो हम यूज़ करेंगे ट्रैफिक शेपर और ट्रैफिक चेपर के अंदर लिमिटर्स ये देखें जी वो यहाँ पे भी आ गए हैं ठीक है, है? बाय इंटरफेस जो हमने सारे रूल्स अभी डिफ़ाइन किए हैं और हम जो यूज़ करेंगे वो कौन से होंगे लिमिटर्स ठीक है कि किस यूज़र्स को अगर बहुत डिटेल में आप जाना चाह रहे हैं ठीक है तो मैंने आपको गाइड कर दिया विजल्ट इसको गो थ्रू करें ठीक है और प्रैक्टिस करें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे आप जो है वो बता सकते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है फायर वॉल में दे फायर वॉल रूल्स में देखेंगे लिमिटर्स कि लिमिटर्स को हम किस तरह से कॉल करवाते हैं ठीक हो गया तो छोटा सा लेक्चर था ट्रैफिक शेपर से ट्रैफिक शेपर यानी कि आप अपने लोकल नेटवर्क के अंदर अपने यूज़र्स की ट्रैफिक को लिमिटाइज कर सकते हैं ठीक है अकॉर्डिंगली जैसे भी आप करना चाहें ठीक है जी तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर इनशाला फायर वॉल रूल से रिलेटेड होगा और आई होप कि आप सब लोग जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ठीक है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी चीज़ों की आप लोगों को समझ आएगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं इन ने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक खुश रहें दो में ज़रूर याद रखें सबको ठीक है और अल्लाह हाफिज़